हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल का जो बाहर का एरिया है, जैसे ये है, और यहाँ से पानी लीकेज हो रहा था बेसमेंट के अंदर। तो ये हम काम कर रहे हैं यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का। वाटर प्रूफिंग का काम लगभग हमारा हो ही गया है। ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे भी लीकेज हो रहा था, तो वो भी हो गया है कम्प्लीट। बाकी इसमें टेस्टिंग हो गई है। सॉरी, मैं शुरू से आपको ये दिखा नहीं पाया, लेकिन बीच बीच में क्लिप है मेरे पास में, मैं वो डाल दूंगा आपको देखने के लिए कैसे काम होता है। जो भी काम हुआ है उसकी सारे भी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। ये बाथरूम है जो सावर स्विमिंग पूल से आगे, तो इसमें से भी यहाँ से लीकेज नीचे जा रहा है बेसमेंट में। इस तरह से यहाँ से दीवार से लीकेज इसमें नीचे जा रहा था, तो इसका भी हमने इसका लीकेज बिल्कुल बंद कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हो, रॉयल नेस्ट सोसाइटी है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में, मतलब नोएडा में ही आती है, लेकिन ग्रेटर नोएडा थोड़ी सी पास में ही है। यहाँ पे हमारा काम चल रहा है वाटर प्रूफिंग का। बाकी पूरी डिटेल मैं आपको बीच में, क्लिप है मेरे पास में, उनसे मैं आपको देता रहूँगा। और गाइज, आपको दिल्ली NCR में कहीं पे भी वाटर प्रूफिंग का काम अगर करवाना है, तो नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, इससे आप कॉन्टेक्ट हमको कर सकते हैं। तो गाइज अभी आपको लेकर चलते हैं, देखो जहाँ पे ये पानी गिर रहा था नीचे, वाटर प्रूफिंग जो किया है उससे पानी जो गिर रहा था, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे पानी गिर रहा है। सोसाइटी रॉयल नेस्ट नोएडा में, तो इसमें हमारा काम चल रहा है वाटर प्रूफिंग का। चारों तरफ टावर हैं और बीच में ये स्विमिंग पूल है, ये क्लब हाउस, ये स्विमिंग पूल है गाइस। गाइस 4 फीट हमने नीचे तक इधर तक इसको किया है, और जैसे कर्व से ये दीवारें आ रही हैं घुमावदार, उसी तरफ से देख सकते हो आप, वहाँ से दोबारा से फिनिशिंग करते हुए हम आ रहे हैं इसको। तीन दीवारें, फिर इसके ऊपर गार्डन बन जाएगा, जैसा वो गार्डन है इस तरह से यहाँ पे भी गार्डन बनेगा। तो गाइस ये स्विमिंग पूल में से लीकेज कम था, बल्कि जो गार्डन का एरिया है हमारा उससे ज़्यादा लीकेज था इस साइड में, हमने कर दिया है अभी। ये मिनी स्विमिंग पूल है बच्चों का, थोड़ा सा इस साइड से भी लीकेज है इस वाले गार्डन से, तो ये भी हो जाएगा अभी, इसको करेंगे दूसरे फेस में। और इसमें एक्सपेंशन जॉइंट का पूरा काम है गाइस, एक्सपेंशन जॉइंट जो नीचे टपकता है बेसमेंट के अंदर, वो भी काम है, तो उसको भी हम आपको दिखाते हैं अगली वीडियो में। एक्सपेंशन जॉइंट पूरा होगा 250 मीटर के समथिंग एक्सपेंशन जॉइंट है इसका। ये फाउंटेन है, इसमें कोई लीकेज नहीं है, इसको हमने नहीं छेड़ा है। ये भी एक मिनी स्विमिंग पूल है। आप देख सकते हो ये दीवारें बना रहे हैं मिस्त्री, और ये कोटिंग के बाद में हमने कोटिंग किया है पहले, उसके बाद में प्लास्टर कर दिया है इसका। पानी भरा हुआ है, लेकिन एक पानी इधर से।
पाइपों से कर रहा है। ये क्या है? ये अभी भी टपकता है यहाँ से। ये क्या दिखाई दे रहा है? पहले का ये टपकता तो यहाँ पे भी टपकता है। अभी कहाँ से टपक रहा है? हाँ तो ये नीचा एरिया है ना, डाउन एरिया है। ये सीढ़ी है, ये जीना है और इससे टपक रहा था पानी है। Thank you.
मलबा सर यहाँ पर।